हेलो स्टूडेंट्स, आरजी स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल है, मैं एक टीचर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको कृषि विज्ञान से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूँ। एग्रीकल्चर साइंस से संबंधित ये 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो कि आगामी वन दरोगा, वन रक्षक, ग्राम विकास अधिकारी, ICAR, SSC, रेलवे और कृषि से संबंधित अन्य एग्जाम्स, NDA, CDS, IS, PCS आदि एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की स्टडी के लिए व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेने के लिए या फिर ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करने के लिए 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे कृषि विज्ञान से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूँ। इससे पहले की वीडियो में 1 से लेकर 25 तक बताए गए, यहाँ पे मैं 26 से लेकर 50 तक बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 है, केन परियोजना निम्न में से किन दो राज्यों से संबंधित है? केन परियोजना, जो केन परियोजना है वो किन दो राज्यों से संबंधित है? ऐसे कौन से दो राज्य हैं जिनसे की केन परियोजना संबंधित है? ऑप्शन दे रखे हैं, ए मध्य प्रदेश बिहार, बी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, सी उड़ीसा बिहार, डी मध्य प्रदेश गुजरात। सही उत्तर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। केन परियोजना जो है ये जो दो राज्यों से संबंधित है वो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन 27 है, बौछारी सिंचाई विधि अपनाई जाती है। बौछारी सिंचाई विधि अपनाई जाती है ऑप्शन ए समतल मृदा में, ऑप्शन बी असमतल मृदा में, ऑप्शन सी ढालू मृदा में, ऑप्शन डी बलुई मृदा में। सही उत्तर है ऑप्शन बी असमतल मृदा में। बौछारी सिंचाई विधि असमतल मृदा में अपनाई जाती है। बौछारी सिंचाई विधि जो होती है ये असमतल मृदा में अपनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, बागों के लिए उपयुक्त विधि है, बागों के लिए उपयुक्त विधि क्या है? ऑप्शन ए द्रोणी, तोड़, कोरुगेशन, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए द्रोणी। बागों के लिए उपयुक्त विधि है द्रोणी। द्रोणी विधि जो होती है ये बागों के लिए उपयुक्त होती है। क्वेश्चन 29 है, पानी फेंकने वाले पाइप की ऊंचाई डीजल ऑब्लिक बिजली के व्यय को कर देती है। पानी फेंकने वाले पाइप की ऊंचाई डीजल ऑब्लिक बिजली के व्यय को कर देती है, तो ये कम कर देती है। पानी फेंकने वाले पाइप की जो ऊंचाई होती है या डीजल या बिजली के जो व्यय होता है उसको कम कर देती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, आजकल कौन से सिंचाई यंत्र प्रचलन में है? आजकल कौन से सिंचाई यंत्र है जो कि प्रचलन में है? यहाँ पे ऑप्शन है, ए है मनुष्य द्वारा चालित, बी पशु चालित, सी शक्तिशाली, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है सी शक्तिशाली। शक्तिशाली जो सिंचाई यंत्र है वो आजकल प्रचलन में है। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल जो शक्तिशाली सिंचाई यंत्र है वो प्रचलन में है। क्वेश्चन 31 है, बेड़ी द्वारा कितने मीटर गहराई तक पानी उठाया जाता है? बेड़ी द्वारा कितने मीटर गहराई तक पानी उठाया जाता है? सही उत्तर है 1.2 मीटर। बेड़ी द्वारा 1.2 मीटर गहराई तक पानी उठाया जाता है। क्वेश्चन 32 है, 630 फसल जल मांग होती है, 630 फसल जल मांग होती है। ऑप्शन है गेहूं, जौ, आलू, मक्का। सही उत्तर है आलू। 630 फसल जल मांग आलू की होती है, आलू होती है। क्वेश्चन नंबर 33 है, जई की जल मांग निम्न में से है? जई की जल मांग क्या है? ऑप्शन ए है 475 से 500, बी 500 से 600, सी 560 से 626, डी 320 से 420। सही उत्तर है ऑप्शन सी 560 से 626। जई की जल मांग होती है 560 से 626। क्वेश्चन 34 है, अच्छे फुटबॉल का मुख्य गुण है, अच्छे फुटबॉल का मुख्य गुण है। ऑप्शन ए बड़ी चलनी, ऑप्शन बी छूते ही ढक्कन खुल जाए, ऑप्शन सी कम घर्षण वाला, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अच्छे फुटबॉल का मुख्य गुण होता है, जो अच्छे फुटबॉल होते हैं उनका जो मुख्य गुण होता है ये बड़ी चलनी, छूते ही ढक्कन खुल जाए, कम घर्षण वाला, ये सभी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 35 है, पंप सेट में डीजल की बचत के उद्देश्य से पाइपलाइन का आकार होना चाहिए। पंप सेट में डीजल की बचत के उद्देश्य से पाइपलाइन का आकार होना चाहिए। ऑप्शन ए बड़ा, ऑप्शन बी मध्यम, ऑप्शन सी छोटा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए बड़ा। पंप सेट में डीजल की बचत के उद्देश्य से पाइपलाइन का आकार बड़ा होना चाहिए। पंप सेट में जो डीजल होता है उसकी बचत के उद्देश्य से पाइपलाइन का जो आकार होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए। क्वेश्चन 36 है, आजकल कौन सा नया यंत्र सिंचाई के प्रयोग में लाया जाता है?
आजकल कौन सा नया यंत्र सिंचाई के प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए शक्ति चालित यंत्र, ऑप्शन बी पशु चालित यंत्र, ऑप्शन सी वायु चालित यंत्र, ऑप्शन डी मनुष्य चालित यंत्र। सही उत्तर है ऑप्शन सी वायु चालित यंत्र। वायु चालित यंत्र नया यंत्र है जो कि आजकल सिंचाई के प्रयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन 37 है, भीतरी जल निकास में भूमिगत नलियां बनाई जाती हैं। भीतरी जल निकास में भूमिगत नलियां बनाई बनाई जाती हैं। ऑप्शन ए टाइल नलियां, ऑप्शन बी पाइप नलियां, ऑप्शन सी पत्थर की नलियां, ऑप्शन डी ये सभी। सही उत्तर है ऑप्शन सी पत्थर की नलियां। भीतरी जल निकास में भूमिगत नलियां पत्थर की नलियां बनाई जाती हैं। जो भीतरी जल निकास होता है उसमें पत्थर की नलियां बनाई जाती हैं। क्वेश्चन 38 है, स्थायी जल निकास की समस्या वाले स्थानों पर बनाई जाती है। स्थायी जल निकास की समस्या वाले स्थानों पर बनाई जाती है। ऑप्शन ए अस्थायी नाली, ऑप्शन बी कटआउट नाली, ऑप्शन सी स्थायी नाली, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है स्थायी नाली। स्थायी जल निकास की समस्या वाले स्थानों पर स्थायी नाली बनाई जाती है। क्वेश्चन 39 है, किस जल निकास व्यवस्था में सहायक नलियां समानांतर क्रम में विन्यस्त रहती हैं? किस जल निकास व्यवस्था में सहायक नलियां समानांतर क्रम में विन्यस्त रहती हैं? सही उत्तर हैरंग बोन विधि। हैरंग बोन विधि में जो जल निकास व्यवस्था में सहायक नलियां समांतर क्रम में विन्यस्त रहती हैं। तो यहां बताना था किस जल निकास व्यवस्था में सहायक नलियां समानांतर क्रम में विन्यस्त रहती हैं? सही उत्तर हैरंग बोन विधि। क्वेश्चन 40 है, भूमिगत जल निकास में लगे पाइप का व्यास होता है। भूमिगत जल निकास में लगे पाइप का व्यास होता है। ऑप्शन ए 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 20 सेंटीमीटर। सही उत्तर है ऑप्शन ए 5 सेंटीमीटर। भूमिगत जल निकास में लगे पाइप का व्यास 5 सेंटीमीटर होता है। तो जो भूमिगत जल निकास में पाइप लगाया जाता है उसका जो व्यास होता है वो 5 सेंटीमीटर होता है। क्वेश्चन 41 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। तो बहुत ही अच्छा जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्वेश्चन 42 है, गिरो जियोन भूमिगत जल निकास हेतु नाली बनाई जाती है। गिरो जियोन भूमिगत जल निकास हेतु नाली बनाई जाती है। ऑप्शन ए समतल मृदा में, ऑप्शन बी पहाड़ी मृदा में, ऑप्शन सी असमतल मृदा में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है समतल मृदा में। गिरो जियोन भूमिगत जल निकास हेतु नाली समतल मृदा में बनाई जाती है। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गिरी जियोन भूमिगत जल निकास हेतु नाली जो बनाई जाती है वो समतल मृदा में बनाई जाती है। क्वेश्चन 43 है, हेक्टेयर क्षेत्र में जलमान किस सूत्र से निकाला जाता है? हेक्टेयर क्षेत्र में जलमान जो सूत्र निकाला जाता है वो है डी इक्वल टू बी अपॉन वी इंटू 864। हेक्टेयर क्षेत्र में जलमान जो जिस सूत्र से निकाला जाता है वो होता है कैपिटल डी इक्वल टू कैपिटल बी अपॉन कैपिटल वी इंटू 864। क्वेश्चन 44 है, जल निकास का मार्ग निर्भर रहता है। जल निकास का मार्ग निर्भर रहता है। ऑप्शन ए मृदा किस्म पर, ऑप्शन बी अधो मृदा की किस्म पर, ऑप्शन सी जलवायु पर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी पर। सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी पर। जल निकास का मार्ग जो निर्भर रहता है वो मृदा की किस्म पर, अधो मृदा की किस्म पर, जलवायु पर, ये सभी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 45 है, भारत में पृष्ठीय जल निकास अपनाया जाता है क्योंकि वह है। भारत में पृष्ठीय जल निकास अपनाया जाता है क्योंकि वह है। यह है ऑप्शन ए कम महंगा, ऑप्शन बी कम तकनीकी वाला, ऑप्शन सी सिंचाई में बाधा उत्पन्न ना करने वाला, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है उपरोक्त सभी। भारत में पृष्ठीय जल निकास अपनाया जाता है क्योंकि यह होता है कम महंगा, कम तकनीकी वाला और सिंचाई में बाधा उत्पन्न ना करने वाला। क्वेश्चन 46 है, पानी अंकुरण के समय बीजों में निम्न में से कौन सा परिवर्तन करता है? पानी अंकुरण के समय बीजों में निम्न में से कौन सा परिवर्तन करता है? ऑप्शन ए है सुसुप्ता अवस्था को तोड़ना, ऑप्शन बी अंकुर को बाहर करना, ऑप्शन सी जड़ का निकालना, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए सुसुप्ता अवस्था को तोड़ना। पानी अंकुरण के समय बीजों में निम्न में से कौन सा परिवर्तन करता है? तो पानी अंकुरण के समय बीजों में जो परिवर्तन करता है वो होता है सुसुप्तावस्था को तोड़ना। क्वेश्चन नंबर 47 है, कुलाबे द्वारा जल का स्राव प्रति सेकंड ज्ञात करने का सूत्र है। कुलाबे द्वारा जल का स्राव प्रति सेकंड प्राप्त करने का सूत्र है। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुलाबे द्वारा जल का स्राव प्रति सेकंड प्राप्त करने का सूत्र होता है डी इक्वल टू कैपिटल सी इंटू कैपिटल ए इंटू ब्रैकेट 2 GH।
गुलाबे द्वारा जल का स्राव प्रति सेकंड ज्ञात करने का सूत्र होता है कैपिटल डी इक्वल टू कैपिटल सी इंटू कैपिटल ए इंटू ब्रैकेट टू जी एच। क्वेश्चन 48 है, पंप के कुशलता पूर्वक चलने के लिए जल खींचने वाले पाइप की अधिकतम लंबाई होनी चाहिए। पंप के कुशलता पूर्वक चलने के लिए जल खींचने वाले पाइप की अधिकतम लंबाई होनी चाहिए। ऑप्शन है ए पे 1 मीटर, बी पे 2 मीटर, सी पे 3 मीटर, डी पे 4 मीटर। सही उत्तर है ऑप्शन सी 3 मीटर। पंप के कुशलता पूर्वक चलने के लिए जल खींचने वाले पाइप की अधिकतम लंबाई 3 मीटर होनी चाहिए। तो अगर पंप को कुशलता पूर्वक चलाना है तो जो जल खींचने वाला पाइप है उसकी जो अधिकतम लंबाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए 3 मीटर। क्वेश्चन 49 है, सबसे अधिक सिंचाई की आवश्यकता निम्न से किस फसल में होती है। जो यहाँ पे फसलें दे रखी है उसमें से बताना है सबसे अधिक सिंचाई की आवश्यकता कौन सी फसल में होती है। ऑप्शन ए जौ, ऑप्शन बी मटर, ऑप्शन सी धान, ऑप्शन डी गेहूं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से धान सही ऑप्शन है। सबसे अधिक सिंचाई की आवश्यकता धान फसल में होती है, जो धान की फसल होती है उसमें सबसे अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। जो ऑप्शन दे रखे हैं जौ मटर धान और गेहूं, इसमें से धान सही है। क्वेश्चन नंबर 50 है, पौधों के लिए पानी की आवश्यकता किस क्रिया के लिए होती है। पौधों के लिए पानी की आवश्यकता किस क्रिया के लिए होती है। ऑप्शन ए ताप नियंत्रण हेतु, ऑप्शन बी वाष्पोत्सर्जन हेतु, ऑप्शन सी संवहन हेतु, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के लिए। सही उत्तर है वाष्पोत्सर्जन हेतु। पौधों के लिए पानी की आवश्यकता वाष्पोत्सर्जन क्रिया हेतु होती है। पौधों के लिए जो पानी की आवश्यकता होती है वो वाष्पोत्सर्जन क्रिया के लिए होती है। यहाँ पे मैंने आपको 25 महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जो कि कृषि विज्ञान से संबंधित है, और जो कैंडिडेट्स विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वन रक्षक, वन दरोगा, ICAR और कृषि से संबंधित अन्य एग्जाम्स, और TET SSC बैंक रेलवे ग्रुप सी ग्रुप डी आदि एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और कंप्यूटर एग्जाम की स्टडी के लिए व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहे, और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।